हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पे मिलती है आपको एक्सक्लूसिवली आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। चलिए बात कर लेते हैं टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक की। तो शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि वनराज अनुपमा से कहेगा, मेरी जो फैमिली है वो हमेशा तुम्हें ही बिलोंग करती है, हालाँकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अफेक्शन अब फील करने लगा हूँ जितना मैं बताता हूँ, इसीलिए तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि अगर कुछ हो गया मुझे तो तुम मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखोगी ताकि मैं अच्छे से मर पाऊँ, अनुपमा उससे प्रॉमिस करती है। फैमिली यहाँ पर लौट आती है और नोटिस करती है इन दोनों के ऑकवर्ड फेसेस। तभी यहाँ पर लीला कहती है, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तभी अनुपमा कहती है कि नहीं, अब मैं जाती हूँ, मेरी डांस क्लास का टाइम हो रहा है। यहाँ पर किंजल कहती है कि ठीक है, मुझे मालती देवी के गुरुकुल जाना होगा क्योंकि मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि मेरी माँ के लिए, अनुपमा माँ के लिए वहाँ जाना कितना इम्पॉर्टेंट है, और वो ये सब कांता से कहती है। किंजल कहती है कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर सबमिट कर चुकी हूँ उनकी एप्लीकेशन डांस की। अनुपमा कहती है कि मुझे बस एक फ़ाइनल इंटरव्यू देना है उनके कॉलेज में एडमिशन के लिए। लीला कहती है कि मालती देवी कौन है? तभी समर कहता है कि वो वर्ल्ड की बेस्ट क्लासिकल डांसर है। पाखी कहती है कि हाँ, मैंने उनके आर्टिकल न्यूज़पेपर्स में देखे हैं। हंसमुख कहता है, मैंने भी उसका इंटरव्यू देखा है। अनुपमा बहुत नर्वस होती है, वो कहती है कि मैं तो उनके सामने खड़ी भी नहीं सकती, ऐसा लगेगा कि बाथरूम सिंगर उनके सामने, आशा भोसले जी के सामने खड़ा है। तभी वो कहती है कि मैं मालती देवी की क्लास अटेंड करना चाहती हूँ और हमेशा से मैं कॉलेज डेज से करती थी, लेकिन मालती देवी फिर शिफ्ट हो गई और उन्होंने बहुत बड़ा डांस स्कूल खोल लिया जिसका नाम गुरुकुल है। समय कहता है, मालती देवी का घर अवार्ड से भरा पड़ा है। पूरी फैमिली अनुपमा को इंसिस्ट करती है कि तुम्हें इनका डांस स्कूल ज्वाइन करना चाहिए। अनुपमा रिकॉल करती है उसका डांस लिटिल अनु के साथ, वो कहती है कि मैं ट्राई करूँगी। अनुपमा बहुत फील गुड करती है घर से बाहर जाते हुए, और तभी वो एक क्राउन खरीदती है अपने आप के लिए और इमेजिन करती है कि पहले उसकी एक्साइटमेंट कितनी थी डांस स्कूल को ज्वाइन करने के लिए, और अब वो एक बार फिर से वही करने जा रही है। अनुपमा घर लौटती है, कांता कहती है कि वनराज घर आ गया। अनुपमा कहती है कि हाँ, अब वो ठीक है। कांता कहती है कि तू इतनी खुश क्यों लग रही है? अनुपमा कहती है कि माँ, आपको तो CID होना चाहिए था। तभी वो बताते हैं कि किंजल ने कैसे एडमिशन फॉर्म सबमिट कर दिया है उसके गुरु माँ मालती देवी के गुरुकुल के लिए। कांता भी बहुत खुश होती है और कहती है कि उनको तो हर कोई आइडलाइज करता है, और जब वो एक्ट्रेस हुआ करती थी तब मैं भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करा करती थी। तभी वो कहती है कि तुम्हें एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा, और वो कहती है कि तुम्हें गुरुकुल भी तो जाना होगा। अनुपमा कहती है कि हाँ, मैं आज ही जाऊँगी। कांता उसे स्पीच देती है इम्पोर्टेंस डांस की क्या है, कल्चरल की इम्पोर्टेंस क्या है, और उसे इंकरेज करती है। बहन भी तभी आती है और कहती है कि आप कहीं जा रही हैं? अनुपमा कहती है कि हाँ, मैं टीचर से डांस सीखने जा रही हूँ। वो कहती है कि मैं अब एक अच्छे टीचर से डांस सीखूंगी, और उसे इम्पोर्टेंस बताती है कि एक अच्छी डांस टीचर का एक अच्छे स्टूडेंट की लाइफ में कितना महत्व है। बहन भी कहती है कि क्या मैं भी आपके साथ आऊँ? अनुपमा कहती है कि तुम आ सकती हो क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। वो भगवान से प्रे करती है कि बस, और एक बहुत लंबी स्पीच देती है कि वो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। इधर वनराज रिकॉल करता है काव्या की बातें जाने से पहले। किंजल तभी आती है जब वो ऑफिस जा रहा होता है, उसको मेडिसिंस देती है और इंस्ट्रक्शन देती है कि बा, आप ना इनके लिए हल्का खाना बनाइएगा। तो उसे उससे कहता है कि तुम जाओ, तुम्हें देखना है ना कि हमारी फैमिली की कंडीशन क्या है। अनुपमा कहती है कि मैं जानती हूँ, इसीलिए मैनेजेबल नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं सारे जो मेजर काम है वो कंप्लीट करके जाऊंगी। तोशु कहता है अगर माँ होती तो वो अब इस घर में प्रेजेंट होती, उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया होता। और वो किंजल को क्रिटिसाइज़ करता है अनुपमा के एडमिशन को लेकर के जो उसने मालती देवी के डांस स्कूल में करवाया है। वो कहती है कि क्या मम्मी इस एज में डांस सीख करके क्या करेंगी, उनका अपना डांस स्कूल है। तो किंजल ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। अनुपमा ऑलरेडी एक्साइटेड होती है और वो गुरुकुल भारवी के साथ पहुंचती है। तभी इधर सॉन्ग प्ले होगा बैकग्राउंड में बेसब्रियाँ। किंजल यहाँ पर तोशु से कहेगी कि तुम्हारा जो एटीट्यूड है ना, यही मेन फसाद है अनुज और अनुपमा के बीच में झगड़े की। तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनके ऊपर डाल देते हो और वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंधे हुए थे। अगर क्या गलत है इसमें, अगर माँ अपना अधूरा सपना पूरा करना चाहती हैं तो? वनराज कहता है किंजल सही कह रही है। वो रिकॉल कराता है उसको, और लीला उससे कहती है कि अनुपमा
शुरू से ही डांस स्कूल करना चाहती थी, लेकिन हमने उसे नहीं ज्वाइन करने दिया। वो कहता है कि अब उसका टाइम है, उसे उड़ने दो। अनुपमा एंटर करती है डांस स्कूल में। भारवी कहती है कि ये तो बहुत बड़ा स्कूल है। अनुपमा कहती है कितना खूबसूरत है, और वहाँ पर नटराज की मूर्ति होती है, वो उसके आगे हाथ जोड़ती है। यही हो जाएगा शुरुआत के एपिसोड का एंड। उसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। फिलहाल तो ऐसे मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। We'll be right back.